फुल्सान शर्मा आई वेलकम यू माई यूट्यूब आप में से कई लोग होंगे जो अपने नियर फ्यूचर में कुछ बड़ी चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हैं लेकिन लाइफ स्टेगनेंट है सो so, आज हम ये देखने वाले हैं कि आपकी लाइफ में क्या अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होने वाले हैं कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हैं बट आपकी लाइफ में होंगी ठीक है तो आपकी लाइफ में क्या अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आने वाले हैं ये हम देखने वाले हैं जहाँ पर पॉसिबल होगा वहाँ पर टाइम फ्रेम भी मैं आपको बताऊँगी सो so, आज आप सोच रहे होंगे कि मैम पाइल्स तो आपने रखी नहीं है तो पाइल सेलेक्शन हम किस तरीके से करेंगे फाइल सिलेक्शन के लिए अभी स्क्रीन पर आपको दो पिक्चर्स नज़र आएंगी आप दोनों में से कोई भी एक पिक्चर चूज़ कर सकते हैं इंट्यूटिव रीडिंग होगी सो बहुत सारी चीज़ें आज आपको पता लगेंगी तो जो दो पिक्चर्स आपको नज़र आ रही हैं उन दोनों पिक्चर्स को बड़े ध्यान से देखिए और अपनी आंखें बंद कर लीजिए आंखें बंद करने पर आपको जो भी पिक्चर नज़र आती है आप वो वाली पाइल चूज़ कर सकते हैं पिक्चर नंबर वन इज़ पायल नंबर वन एंड पिक्चर नंबर टू इज़ पायल नंबर टू सो अगर आप मेल हैं फीमेल हैं मैरिड हैं अनमैरिड हैं डिवोर्स हैंक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है आज की रीडिंग कहीं ना कहीं आपसे रिजोनेट जरूर होगी सो so, आपकी लाइफ में क्या अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आने वाले हैं आइए जानते हैं जिन्होंने पायल नंबर वन चूज़ किया है पहले आपके लिए देखते हैं आपके लाइफ में क्या अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आने वाले क्या अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं आइए जानते हैं फॉर पाइल नंबर वन पीपल आइए जानते हैं आपकी लाइफ के अंदर क्या अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आने वाले ओके तो यहां पर टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर टेन ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है द मजिशियन का कार्ड है यहाँ पर द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ कप्स का कार्ड है द नेक्स्ट कार्ड ओवर इज एट ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है द हेरोफेंट का कार्ड है फाइव ऑफ का कार्ड है द नेक्स्ट कार्ड ओवर इज नाइन ऑफ का कार्ड है एंड बॉर्डम ऑफ द द डेक पर लवर्स का कार्ड है यहाँ पर अभी हम इस डेक से भी चेक करते हैं कि क्या अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपके लाइफ में होने वाले हैं आइए जानते हैं क्या अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपके लाइफ में होने वाले हैं आइए देखते हैं तो पहला कार्ड है यहाँ पर द लविंग वुमन का कार्ड है द नेक्स्ट कार्ड इज प्रोफेशनल असिस्टेंस का कार्ड है द नेक्स्ट कार्ड ओके टू कार्ड्स निकल कर आए हैं पार्टनरशिप का कार्ड है टेकिंग स्टेप्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर हीलिंग लाइट का कार्ड है तो so, जिन्होंने पायल नंबर no. वन चूज़ किया है आपको ये जानकर अच्छा लगेगा अगर आज के टाइम पर आपके आसपास कुछ ज़्यादा लोग नहीं हैं आपकी कंपनी नहीं है बहुत कम लोगों से आप इंटरेक्ट करते हैं आपके फ्रेंड्स नहीं बन पाते हैं तो अब जो चेंज आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली होने वाला है वो यही है कि बहुत सारे लोग आपको अब आप सराउंड करेंगे ठीक है सबसे पहली बात आपका जो भी प्रोफेशन है उसमें आपको प्रोफेशनल असिस्टेंस मिलने वाली है आप अगर अपने करियर में ग्रो नहीं कर पा रहे हैं तो कोई ऐसा इंसान आपको आपकी जिंदगी के अंदर मिलेगा जो आपको प्रोफेशनली आगे बढ़ने में मदद करेगा आप ये सोचेंगे उस इंसान के मिलने के बाद कि आपकी प्रॉब्लम इतनी बड़ी तो थी नहीं लेकिन आपने खुद नहीं अपनी प्रॉब्लम को इतना बड़ा बनाया हुआ था जिसके चलते आप किसी भी सॉल्यूशन पर नहीं पहुंच पा रहे थे लेकिन ये इंसान बहुत आसानी से आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा आपकी प्रोफेशनल गाइडेंस आपको किसी पर्सन से मिलती हुई नज़र आ रही है दूसरी बात ये चीज़ होने वाली है आप में से सेवेंटी परसेंट लोगों के साथ लेकिन नाइन्टी टू नाइन्टी फाइव परसेंट लोगों के साथ जो चीज़ होने जा रही है वो ये है कि आपके लव लाइफ के अंदर बहुत बड़े बड़े चेंजेस आने वाले हैं आपकी लव लाइफ़ में आपको सामने से प्यार मिलेगा अभी तक शायद प्यार के लिए तरस रहे थे सिंगल्स हैं तो वैसे ही ज़िंदगी के अंदर कोई इंसान नहीं है आपके ठीक है और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि अब तो एटलीस्ट लाइफ में इतना टाइम हो गया है ज़िंदगी में कोई तो होना चाहिए तो कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में होगा जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेगा जिन लोगों का रिश्ता बहुत बुरी तरह से बिखरा हुआ है आपके केस में आपको ये चेंज देखने के लिए मिलेगा कि आपके जो पर्सन हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे हैं और आप बहुत जल्द एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ते में बनने जा रहे हैं और ऑलरेडी अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो वो रिलेशनशिप पहले से बहुत 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 खूबसूरत होने जा रहा है आपको ऐसा लगेगा कि ये रिलेशनशिप जिसको आप कर्स कर रहे थे वो रिलेशनशिप आपके लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है ठीक है इस बात का एहसास आपको होगा आपके पर्सन आपकी तरफ को केयर अफेक्शन सब कुछ शो करेंगे एंड यू विल फील ब्लेस्ड और इस टाइम पर डिवाइन को थैंक यू कहना मत भूलिएगा लेकिन ये जो अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपकी लाइफ के अंदर होने जा रहे हैं ये जाने अनजाने तरीके से आपके साथ होंगे और इन चेंजेस तक पहुंचने के लिए आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे आप स्टेप्स लेते हुए अपने इस खूबसूरत मोड़ पर पहुंचेंगे जिंदगी जहां पर आप खड़े हैं वहीं पर खड़े रहकर टाइम नहीं बीतेगा और तब ये मोड़ नहीं आएगा मतलब वो साइकिल उतना ही डिले हो जाएगा अगले आने वाले चार हफ्तों में मतलब एक महीने के अंदर अंदर अगर आप अपने प्रोफेशन के रिगार्ड में कोई स्टेप लेते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि आप अपने प्रोफेशनल एनर्जी को हील कर रहे हैं अगर आप अपने लव लाइफ़ के रिगार्ड में कोई अच्छे इफेक्टिव स्टेप सही डायरेक्शन में लेते हैं तो इसका मतलब आप अपने रिलेशनशिप को हील कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप के लिए कुछ चीज़ें कर रहे हैं और उसका रिजल्ट ये होगा कि आप उस चीज़ में सक्सेसफुल हो जाए एक महीने के अंदर अंदर ये चेंजेस आपकी लाइफ के अंदर आ सकते हैं लेकिन उन चेंजेस के लिए आपके इंटेंशन ये होनी ही चाहिए कि आपको स्टेप्स लेना है देखिए मैंने तो तीन ही कार्ड्स निकालने ले थे लेकिन जब मैं कार्ड शफल कर रही थी ये इंटेंशन का कार्ड अपने आप निकल कर आया तो ये डिवाइन गाइडेंस ही है गाइडेंस को समझिए कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग रीडिंग करवाते हैं एंड दे आर नॉट साटिस्फाइड विद द रीडिंग उसका रीज़न ये होता है क्योंकि कि आप ये चीज़ सुनना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा 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 होगा जो आप सुनना चाहते हैं वही मैं आपको सुनाऊंगी ऐसा नहीं होता है जो सच निकल कर आएगा वही मैं बताऊंगी और रीडिंग लेने के बावजूद भी आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकल पाता है क्योंकि जो आपको गाइडेंस मिलती है रीडिंग में वो आप फॉलो नहीं कर पाते और फॉलो ना करने में आप कई एक्सक्यूजेस देते हैं लेकिन मैं उसको एनर्जी की टर्म्स में बताऊँ तो कुछ ब्लॉकेजेस होती हैं जो आपको आगे ही नहीं बढ़ने देती है ठीक है इस वजह से आप गाइडेंस नहीं फॉलो कर पाते और स्पेशली मेरे केस में तो ऐसा ही है जिन लोगों के एनर्जी बैरियर्स रिलीज होने हैं वही मुझ तक पहुंचते हैं अदरवाइज बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर बैठ कर कमेंट करेंगे ऐसा नहीं होता है वैसा नहीं होता है आई रियली डोंट बॉर्डर अबाउट डेट कि आप क्या चीज़ महसूस करें मेरी चीज़ ये है कि मुझे आपको सही गाइडेंस प्रोवाइड करनी ठीक है आप अगर उस गाइडेंस को एक्सेप्ट करने वाली एनर्जीज में आ चुके हैं डिवाइन की मर्ज़ी से तो डेफिनेटली आप गाइडेंस को फॉलो करेंगे मुझे आपको कुछ और चीज़ बोलने की ज़रूरत नहीं है और अगर ऐसा है कि अभी आपके एनर्जी बैरियर्स से जूझने का वक्त बना हुआ है अभी आपको यही बैरियर्स फॉलो करने हैं तो मैं उसमें आपकी हेल्प नहीं कर सकती हूँ आप चीज़ों को सुनकर भी अनसुना कर जाएंगे कई लोग आते हैं मेरे पास रीडिंग करवाते हैं जो मैम ने रेमिडीज़ बोलती हूँ नहीं थ्रू करते हैं बाद में उन्हें बहुत पछतावा होता है साल डेढ़ साल बाद घूम फिर कर फिर वहीं पर पहुँच जाते हैं कि मैम अब बताइए ठीक है तो यहाँ पर आपके लिए ये सबसे बड़ी गाइडेंस डिवाइन की तरफ से निकल कर आई है कि अपने प्रोफेशन और अपनी लव लाइफ के लिए अगर आप स्टेप्स लेते हैं सही डायरेक्शन में तो ये मोड एक महीने के अंदर अंदर आपके जीवन में आएगा ठीक है तो अब हम इसे बारीकी से देख लेते हैं देखिए इस टाइम पर आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं दो सिचुएशंस के बीच में बहुत बुरी तरह से ट्रैप्ड हैं ठीक है थीके? अभी अनएक्सपेक्टेडली एक ऐसी चीज होगी जहां पर आपका ये पेनफुल साइकिल खत्म हो जाएगा चाहे ये साइकिल आपकी लव लाइफ के अराउंड है चाहे ये साइकिल आपकी प्रोफेशनल लाइफ के अराउंड है ठीक है और आप ये महसूस करेंगे कि जिंदगी तो ब्लॉक्ड हो गई है अब तो आगे बढ़ा ही नहीं जा सकता तो अभी अनएक्सपेक्टेड चेंज क्या होने वाला है ये जो कंफ्यूजन की एनर्जीज हैं आपकी ये खत्म होंगी क्योंकि एक रास्ता डिवाइन अपने आप आपके लिए बंद कर देंगे आप अपनी लाइफ में इस पॉइंट पर क्रॉस रोड की सिचुएशन पर खड़े हैं यहां पर दिल कुछ कह रहा है दिमाग कुछ कह रहा है चाहे फिर वो आपका करियर हो या फिर आपकी लव लाइफ हो दोनों को लेकर ही आप एक क्रॉस रोड की सिचुएशन पर आकर खड़े हो गए और इस क्रॉस रोड की सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है ये चीज़ आपको समझ नहीं आ रही अब आने वाले वक्त में आपके लिए एक दरवाज़ा शायद जो इजी पाथ है आपका वो ईश्वर बंद कर देंगे ठीक है और आपको वो चीज़ बहुत पेनफुल महसूस होगी कि अब तो ज़िंदगी शायद बिखर जाएगी लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है एक रास्ता बंद होने के बाद आप अपनी लाइफ के मजिशियन बन जाएंगे आपको आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलना शुरू हो जाएगा इस वक्त में आपके अराउंड कुछ लड़ाई झगड़े की एनर्जीज बनी हुई हैं आपका परसेप्शनल डिफरेंस है लोगों के साथ अपने खुद के साथ भी आप चीज़ों को चाहते किसी और तरीके से हैं लेकिन उसके लिए काम आप किसी और तरीके से करते हैं जिसकी वजह से आपके अंदर चिड़चिड़ापन इरिटेशन फ्रस्टेशन बढ़ती जा रही है हर बढ़ते वक्त के साथ ये चीजें बढ़ रही हैं आपके अंदर आपको ऐसा भी लगता है कि आपके आसपास ही कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको आगे बढ़ते हुआ नहीं देखना चाहते हैं ठीक है और उन लोगों से आप थोड़े से अब डिफेंसिव हो गए हैं उन लोगों के साथ आप थोड़ा सा गैप मेंटेन कर रहे हैं लेकिन आने वाले वक्त में एक महीने के अंदर अंदर ये जो आपकी इमोशनल ड्रेनेज की सिचुएशन है चाहे वो आपके लव लाइफ से रिलेटेड है चाहे वो आपके करियर से रिलेटेड है ये सिचुएशन बदल जाएगी आज जब भी आप अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं आप एक ही सिचुएशन पर आकर अटक जाते हैं वो क्या है वो सिचुएशन है आपका दिमाग आपका दिमाग आपको ये चीज कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता ऐसे तो हो ही नहीं सकता इम्पॉसिबल है आपका दिमाग कहता है कि जो पर्सन आपको छोड़कर गया है या जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं वो पर्सन धोखेबाज है ये आपका दिमाग कहता है उसके अलावा आपको चाहे इधर से उधर से मुझसे किसी और से भी कोई भी गाइडेंस मिल जाए आप अपने दिमाग के आगे तो चलते ही नहीं है वो आपका परसेप्शनल डिफरेंस है खुद के साथ चाहते हैं आप कि आपके पर्सनल लाइफ में चीजें ठीक हो जाए लेकिन आपका दिमाग इतना रिजिड हो गया है कि जो आप देखना चाहते हैं बस आप वही देखते हैं एंड सेम गोल्स विद योर करियर लाइफ अगर आपके सामने ये सिचुएशन आती है आज के टाइम पर कि नहीं आपको आपके करियर के अंदर चेंजेस लाने चाहिए तो आप एडामेंट हैं आपको चाहिए एक बड़ी सैलरी लेकिन चेंजेस नहीं आप करेंगे क्यों नहीं करेंगे क्योंकि आपका दिमाग उस चीज़ की इजाज़त आपको नहीं देता अब आपके इस दिमाग की एनर्जी को रोकने के लिए डिवाइन जो आपके पास दो दो ऑप्शन है ना आप ऐसे भी कर सकते हैं आप ऐसे भी कर सकते हैं वो जो दो ऑप्शन है उसे खत्म कर दें फिर चीज़ें आपकी मजबूरी बन जाएंगी कि आपको ऐसा करना ही है उसके बाद आपकी लाइफ सॉर्ट आउट हो जाएगी एक टाइम तक आपको मौका दिया जाता है या तो आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ें या पीछे को हट जाएं। अब यहां पर जो मैं कह रही हूँ दो रास्तों में से एक रास्ता बंद होगा कईयों के लिए ऐसा भी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी जिनमें आपको इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना पड़ेगा क्योंकि गाइडेंस एक टाइम तक मिलती है एक टाइम फ्रेम होता है उसके बाद वो गाइडेंस मिलनी बंद हो जाती है ठीक है तो आपकी लाइफ के अंदर भी इसी तरीके का चेंज आने वाला है अगर अभी तक आपको एक बहुत बड़ी जॉब नजर आ रही थी और आप उस जॉब की और बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे थे और अभी भी आने वाले वक्त में आप बढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं तो वहां पर एक ब्लॉक लग जाएगा वो रास्ता आपके लिए बंद हो जाएगा आपको फिर वो जॉब नहीं मिलेगी फिर जो आपके पास है उसी को ही आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा मतलब धैर्य रखना पड़ेगा इस तरीके के चेंजेस आपकी लाइफ के अंदर आने वाले हैं। अगर इन चेंजेस को आप अपने तरीके से गो थ्रू करना चाहते हैं तो चॉइस आपकी है आपको स्टेप्स लेकर आगे बढ़ना अपनी इंटेंशन होनी चाहिए ना नियत भी तो होनी चाहिए इंसान की कि हाँ मुझे ये सब कुछ हासिल करना है सिर्फ बैठ कर सपने तो नहीं देखते हैं ना तो मोटिवेटेड रहिए ठीक है ठीके? एक महीने का वक्त है जो भी हासिल करना चाहते हैं अपनी लव लाइफ में हासिल करना चाहते हैं अपने प्रोफेशन में हासिल करना चाहते हैं डेफिनेटली आप कर सकते हैं ठीक है तो इस चीज में आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है अगर आप स्टेप्स लेते हैं आपके पास ऑप्शंस खुले रहेंगे अगर आप स्टेप्स नहीं लेते हैं तो जो भी आपके ऑप्शंस हैं वो बंद हो जाएंगे फिर आपको एक ही रास्ते पर आगे बढ़ना पड़ेगा ओके सो आइए अब हम देखते हैं इस डेक से कि क्या अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं आइए जानते हैं क्या अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपके लाइफ में आने वाले हैं क्या अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं आइए जानते हैं क्या अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं अवमेन होल्डिंग कॉइन डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस अगेन हीलिंग कार्ड स्ट्रैटेजी का कार्ड है स्ट्रैटेजी मतलब टेकिंग स्टेप्स मैन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड है रेस्ट एंड रिचोनोवेशन का कार्ड है एंजल ऑफ लव का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर फर्स्ट चक्र आर्क एंजल का कार्ड है देखिए जो भी चेंजेस आएंगे वो आपके कंफर्टेबल जोन के अराउंड आएंगे आपने जहां पर अपने आप को विक्टेमाइज मानना शुरू कर लिया ना वो बबल आपका ब्रेक होगा ठीक है अभी सामने से आपको एक बहुत अच्छा प्रपोजल आ सकता है आपके करियर के रिगार्ड में एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्रपोजल जो प्रपोजल आप चाहते थे वैसा प्रपोजल आपकी लाइफ में आ सकता है लेकिन इतनी आसानी से आप उसे ग्रैब नहीं कर पाएंगे। उसके लिए स्ट्रैटेजाइज करना पड़ेगा चीजों को तो मैंने जो बात बोली नियत होनी चाहिए उस नियत के चलते ही उस प्रपोजल को आप अपनी लाइफ के अंदर ला पाएंगे ठीक है अब आपको ना अपनी लाइफ के अंदर थोड़ा सा रुक कर सोचना चाहिए कि आप जीवन में कर क्या रहे हैं भागते जा रहे भागते जा रहे भागते जा रहे चीजों के पीछे 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 आज नहीं ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग ये चीजें होनी चाहिए क्या आपकी सोच डिवाइन की सोच से बहुत बड़ी है आपकी सोच के अकॉर्डिंग अगर चीजें चलती होती तो आज आप कहीं इस पॉइंट पर आकर तो ना रुकते इस पॉइंट पर आपको थोड़ा सा रुकने की ज़रूरत समझने की ज़रूरत इस चीज़ की है कि जो कुछ भी आपके अराउंड है जो चल रहा है उसमें कहीं आपकी तो कोई गलती नहीं हो रही है इस बारे में सोचने की ज़रूरत है आपका चाहे प्रोफेशनल मैटर है चाहे आपका लव रिलेशनशिप का मैटर है उसके लिए अब आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा अपने आप को विक्टेमाइज एनर्जी से बाहर निकालिए स्ट्रैटेजाइज कीजिए आप अपने लिए खुशियों का दरवाज़ा खुद खोल पाएंगे जिस तरीके की जिंदगी के अंदर खुशियाँ चाहते हैं वो आपकी लाइफ के अंदर आ सकती हैं ये चेंजेस आपकी लाइफ के अंदर हो सकते हैं लेकिन उसके लिए ये दरवाज़ा तो आपको खुद ही खोलना पड़ेगा ये डिवाइन आपको रास्ता दिखा रहे हैं एक महीने का वक्त है इस चीज़ को खोल लीजिए जैसे कहते हैं ना अगर आप कोई गेम भी खेलते हो तो उसके अंदर लैप्स होते हैं एक फर्स्ट लैप सेकेंड लैप थर्ड लैप तो ये जो लैप है ना उसका मतलब आप उस पॉइंट पर आ गए हैं जब वो लैप फिनिश हो सकता है अब फिनिश तो आपको ही करना है नहीं तो वो लैप और बड़ा हो जाएगा ठीक है अब कई आते हैं मेरे पास मैम ये कार्मिक साइकिल कब खत्म होगा आप प्लीज़ ये चीज़ बता दीजिए भाई कर्म तो कर रही है कार्मिक साइकिल का मतलब क्या होता है कि आपके कर्म से वो साइकिल न्यूट्रलाइज होगा तो कर्म किसको करना है आपको करना है ना तो उस चीज का टाइम कौन निर्धारित करेगा आप करेंगे ठीक है तो इस एक महीने के अंदर अंदर आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो सकती है लेकिन चीजों को स्ट्रैटेजाइज करने की जरूरत है आपके खुशियों की चाबी आपके पास खुद है नियत रखिए कि जिंदगी के अंदर बदलाव चाहिए एक्सपेक्टेशंस मत रखिए नियत रखिए ठीक है और आपकी लाइफ के अंदर ये कंफर्टेबल जोन का जो बबल है ये ब्रेक होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है इस पॉइंट पर क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि जिस जगह पर आप हैं वहीं पर आपको अगर सब कुछ मिल जाता है आपकी जिंदगी सेट है लेकिन ईश्वर आपकी असेंशन चाहते हैं इसलिए चेंजेस तो आपके लिए हैं आपको प्यार से आगे की ओर बढ़ाया जा रहा है ठीक है तो प्यार से आगे की ओर बढ़ते जाइए चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ है चाहे आपकी पर्सनल लाइफ है इसमें आपके इमोशंस बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं आप दिल से कुछ चीज़ अपने प्रोफेशन के रिगार्ड में भी चाहते हैं आप ऐसा चाहते हैं कि ये वाली जॉब मुझे मिल जानी चाहिए बस लेकिन डे ड्रीमिंग कर रहे हैं स्टेप्स नहीं ले रहे हैं उस चीज के लिए हो सकता है किसी पर्सन से कॉन्टेक्ट करके आपको वो जॉब मिल सकती है आप कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं उस पर्सन को क्योंकि अंदर आपके डाउट है कि अगर आपने उस पर्सन को कांटेक्ट किया तो शायद वो पर्सन बीच में अपना कोई कमीशन रख सकता है या फिर वो पर्सन आपको धोखा दे सकता है आपको ये चीज़ नज़र आ रही है कि आपके फॉरेन की जॉब लग सकती है लेकिन आपको बीच में कुछ स्टेप्स लेने हैं उन स्टेप्स को लेकर आपको थोड़े से डाउट है अब डाउट में बैठे रहेंगे तो अपॉर्चुनिटी तो हाथ से जाएगी ही ठीक है so, सो ये अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपके लाइफ में होने जा रहे हैं इन चेंजेस को स्वीकारने के लिए अपनी नीयत बनाइए कि हाँ आपको सच में अपनी लाइफ में चेंज लेकर आने हैं चेंजेस आपके लिए इस पॉइंट पर हैं आप यही खड़े खड़े देख रहे हैं कि हाँ चेंजेस हो जाए हो जाए हो जाए अपने आप नहीं होंगे यहाँ तक तो चलना ही पड़ेगा ठीक है so, सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर वन ये पिक्चर नंबर वन चूज की है आपको आज की रीडिंग पसंद आई हो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा अपने नियर एंड एंडियो वान्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर अपने रिलेशनशिप को लेकर अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके सो तो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ई मेल के थ्रू कर सकते हैं मेरा व्हाट्सएप नंबर और ई मेल स्क्रीन पर फ्लैश होंगे जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे मेरा एक और चैनल भी है सोल डिवाइन जर्नी डारो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं और मैं अपनी डेली एंजलिक गाइडेंस रोज रात आठ बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ सो तो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेलाइकिन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे मेरा एक और चैनल भी है सोल मिस्टिक टैरो उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स उनकी तरफ से आपके लिए उनके अन कहे जज्बात येस और नो पेंटलम रीडिंग्स ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेलाइकिन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा नाउ लेट्स सी फॉर नंबर टू जिन्होंने ये सेकेंड वाली पिक्चर चूज की है आइए जानते हैं कि आपकी लाइफ में क्या अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आने वाले हैं फॉर पाइल नंबर टू पीपल आइए जानते हैं आपकी लाइफ के अंदर क्या अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में क्या अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आने वाले हैं फॉर पाइल नंबर टू पीपल ओके देखते हैं क्या चेंजेस आने वाले हैं तो यहां पर थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है यहां पर पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है फोर ऑफ कप्स का कार्ड है सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड है द नेक्स्ट कार्ड है सेवन ऑफ कप्स का कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है द फूल का कार्ड है नाइन ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर क्वीन ऑफ का कार्ड है सो आइए अब इस डेक देख से देखते हैं आपके लाइफ में क्या अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आने वाले हैं आइए जानते हैं आपकी लाइफ में क्या अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आने वाले हैं पहला कार्ड है लॉस का कार्ड है फियर का कार्ड है न्यू बिगनिंग का कार्ड है कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर विक्टिम मेंटालिटी का कार्ड है तो जिन्होंने पाइल नंबर टू चूज किया है अभी हाल फिलहाल आपकी लाइफ के अंदर कुछ ऐसी चीज चल रही है जहां पर आपको एक लॉस हुआ है चाहे वो आपके करियर में हुआ हो चाहे आपके लव लाइफ में हुआ हो चाहे आपकी पर्सनल ग्रोथ में हुआ हो लेकिन ये जो अंत है ना इसी के साथ आपके लाइफ के चेंज का आरंभ जुड़ा हुआ है अगर अभी तक ये लॉस नहीं हुआ है तो पहले आपको कोई लॉस होगा मतलब आपकी लाइफ के अंदर आपको किसी भी स्पेयर में अगर अनसर्टेनिटी है किसी स्पेयर को लेकर आपको डाउट है कि हाँ यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं बन सकती है तो उस चीज़ में सोच लीजिए कि आपको कोई लॉस होने वाला है आप वहीं पर खड़े रह जाएंगे वो सिचुएशन आपके हाथ से निकल जाएगी पहले तो ये चेंज आपकी लाइफ में आएगा ये चेंज आपकी लाइफ में इस वजह से आया है या आने वाला है क्योंकि आप अपने फियर्स को ओवरकम नहीं करते हैं आप हमेशा एक डर की एनर्जीज़ में रहते हैं अपने डर को आप दबाने की कोशिश करते रहते हैं सच्चाई से आप दूर भागने की कोशिश करते रहते हैं तो ये जो फियर की एनर्जीज़ हैं इन्हें आपको फेस करना होगा इसका मतलब कहीं ना कहीं आप में से कई ऐसे लोग हैं जिनकी अब असेंशन होने जा रही है जिनकी लाइफ के अंदर इतने बड़े बड़े, बड़े बदलाव होंगे कि आप कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे आप हमेशा के लिए बदल जाएंगे आप अगर आज छोटी छोटी चीज़ों से डरते हैं तो अभी वक्त आपको इतनी सारी चीज़ें सिखाएगा कि आपके लिए छोटे मोटे डर तो रहेंगे ही नहीं ये जो डर आपने अपने अंदर बिठा कर रखा हुआ है किसी वजह से और उससे देखते हुए भी आप अनदेखा करते जाते हैं वो डर आपको फेस करना होगा और उसके बाद आपकी लाइफ के अंदर एक ऐसा साइकिल होगा स्टार्ट हो जाएगा जिसमें आपके जीवन की एक नई शुरुआत होगी आप इस साइकिल में अगर कुछ चीजें खो रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वो चीजें आप परमानेंटली खो देंगे उन चीजों के लिए आपको लड़ना होगा आपकी लाइफ के अंदर एक ऐसा पॉइंट चल रहा है ये चलने वाला है जहां पर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट का सामना आपको करना है इस टाइम पर आप एक विक्टिम मेंटालिटी का शिकार हैं ये जो विक्टिम मेंटालिटी है इससे आपको निकलना है इस तरह के हालात आपके लिए बनेंगे जहां पर आप इस सिचुएशन से निकल जाएंगे लेकिन खुद लड़कर निकलेंगे अपने डर का सामना करते हुए निकलेंगे अपने डर को पीछे छोड़ते हुए निकलेंगे अपने डर को साथ लेकर आप आगे की ओर नहीं चलेंगे ईश्वर आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े झटके मिलने आपको स्टार्ट हो चुके हैं कईयों के केस में ये लॉस वाला इवेंट हो चुका होगा आपने या तो अपने जॉब छोड़ दी होगी जॉब खो दी होगी आपके बिजनेस में कुछ लॉस हुआ होगा या जहाँ पर आप पर्सनली ग्रो कर रहे थे वहाँ पर आप अपने आप को स्टेगमेंट महसूस करते होंगे या अगर मैं आपकी लव लाइफ की बात कहूँ तो वहाँ पर आपने अपने पार्टनर से कुछ दूरी बना ली होगी या आपके पार्टनर आपको दूर छोड़ चले गए होंगे इस तरीके की एनर्जीज़ आपके लिए स्टार्ट हो चुकी हैं इसके पीछे क्या कारण है वो है आपका डर उस डर को जब तक आप ओवरकम नहीं करेंगे कुछ नया आपको सीखने के लिए मिलेगा इस साइकिल के अंदर उस साइकिल को आप रजिस्ट नहीं कर सकते हैं जो नई चीज़ आपको सीखने के लिए मिल रही है उसे सीखिए कन्फ्लिक्ट की एनर्जीज़ आएंगी मतलब जहाँ पर आपको आपके सर्वाइवल के लिए फाइट करनी पड़ेगी वो फाइट आप करेंगे और उसके बाद आपके लिए एक नई बिगनिंग स्टार्ट होगी नई चीजें आपके लिए स्टार्ट होंगी तो ये जो तीन कार्ड्स वाला साइकिल या मैं ये चार कार्ड्स का जो साइकिल है ये लंबा है थोड़ा सा यहाँ पर सेल्फ इम्प्रूवमेंट आपकी होगी अब आप कहेंगे कि मैम पेन से कौन सा साइकिल स्टार्ट होता है जिस साइकिल में हम हैं इसमें हमें पेन ही मिल रहा है अगर आपको पता हो तो जो कुम्हार है ना वो जब घड़ा बनाता है तो उस घड़े को अगर बाहर से मारता है ना तो अंदर से हाथ भी रखता है तो ईश्वर आपके लिए यही सब कुछ करने वाले हैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी में ईश्वर लेकर जा रहे हैं आपके अंदर बदलाव की जरूरत है अगर बदलाव ही नहीं होंगे तो एवोल्यूशन कैसे होगी चेंज कैसे होंगे आप तो ये बदलाव ईश्वर आपके अंदर लेकर आ रहे हैं तो जो कुछ भी आपकी लाइफ के अंदर हो रहा है ना उसके पीछे कोई कारण है जिसके लिए आपको धीरे धीरे हर वक्त के साथ गाइडेंस मिलती जाती हैं उस गाइडेंस को समझने की कोशिश कीजिए ठीक है अगर ये लॉस का साइकिल आपका चल रहा है तो गाइडेंस डेफिनेटली आपको मिलती होगी क्योंकि आपको आपके फियर को ओवरकम करने का खुद से नहीं पता है तो ईश्वर आपको उस चीज़ के लिए किसी ना किसी फॉर्म में गाइडेंस देते होंगे तो ये चेंजेस आपकी लाइफ के अंदर होने जा रहे हैं अब हम डिटेल में देख लेते हैं और क्या चेंजेस होंगे आपकी लाइफ के अंदर देखिए आपकी लाइफ में इस टाइम पर आप उलझे हुए हैं बहुत ही ज्यादा इल्यूजन है बहुत सारे ऑप्शंस हैं जीवन के अंदर लेकिन कौन सा ऑप्शन आपके लिए है ये आपको बिल्कुल भी नहीं समझ आता है आप कई बार कुछ अनवाइज चॉइस भी अपनी लाइफ के अंदर बनाते हैं अब आपकी लाइफ का एक ऐसा दौर शुरू होगा जिसके अंदर इस एल्यूजन से आपको एनलाइटनमेंट की ओर बढ़ना है ये अनएक्सपेक्टेड चेंज आपकी लाइफ के अंदर होगा ये इल्यूजन की एनर्जीज खत्म होंगी आज के टाइम पर आप अपने इमोशंस को अपने अंदर दबाते चले जा रहे हैं लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं सामने से आपको कुछ भी अच्छा नहीं मिलता सामने से आपकी लाइफ में आपको इन रिटर्न कभी भी किसी से कुछ नहीं मिलता वो एनर्जीज आपको अंदर से परेशान करती हैं कि जीवन के अंदर आप कुछ भी हासिल नहीं कर पा रहे हैं आप जिसके लिए भी अच्छा करते हैं वो पर्सन सामने से आपको धोखा देकर आपको दुख देकर आपको तकलीफ देकर आपसे दूरी बना लेता है और इस वजह से आपने इमोशनली किसी के ऊपर ट्रस्ट करना बंद कर लिया है लेकिन ईश्वर आपकी लाइफ के अंदर इस तरह का एक चेंज लेकर आएंगे कि जहाँ पर आप ये इमोशनल टर्मोइल से निकल जाएंगे और अपनी लाइफ में अपने इमोशंस को जी पाएंगे आज के टाइम पर आप किसी से कोई स्टेबल प्रपोजल एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई आपको स्टेबल प्रैक्टिकल सा प्रपोजल दे चाहे फिर वो आपके प्रोफेशन की बात हो या आपकी लव लाइफ की बात हो आप सामने वाले पर्सन से एक बहुत ही स्टेबल प्रपोजल प्रैक्टिकल प्रपोजल एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो प्रपोजल आपको अभी नहीं मिल रहा है लेकिन आपकी लाइफ के अंदर एक ऐसा बदलाव आएगा एक ऐसा साइकिल स्टार्ट होगा जब यही प्रपोजल आपको सामने से मिलेगा ठीक है आपकी लाइफ के अंदर कोई तीसरा पर्सन है जो आज के टाइम पर आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस कर रहा है ये पर्सन आपके बेसिकली दुखों का कारण बना हुआ है पर्सन आपकी लाइफ से एलिमिनेट होगा लेकिन अपने आप नहीं होगा ये भी चीज मैं आपको बता दूं क्योंकि इसी पर्सन का इसी पर्सन के दिए हुए दुखों का आपको बहुत ज्यादा फियर है और इस फियर से आप अपनी नजरें चुराते जा रहे हैं इस फियर को तो आपको फेस करना पड़ेगा ठीक है और आपकी लाइफ के अंदर बहुत जल्द एक सेलिब्रेशन की एनर्जी आएगी हो सकता है कि आपकी प्रमोशन हो जाए हो सकता है आपकी मैरिज फिक्स हो जाए हो सकता है आपकी स्टडीज पूरी हो जाए ठीक है लेकिन वो तब होगा जब ये जिस तीसरे पर्सन की वजह से आपके जीवन के अंदर फियर की एनर्जीज हैं ये ओवरकम आप कर पाएंगे सक्सेसफुली तब ये चीज़ आपकी लाइफ में होगी यहाँ पर फोर ऑफ कप्स का कार्ड है आजकल सिर्फ उतना ही सोचते हैं आप जितना आप सामने से देख पाते जहां तक आपकी नजर जाती है वहीं तक आपके लिए जिंदगी है आजकल तो यही है ठीक है अंदर से बहुत उदास है आप अंदर से आप अपने आप को बहुत सारी चीज़ों के लिए ब्लेम भी करते हैं लेकिन आप कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हर बीतते वक्त के साथ मिस करते जाते हैं आपको अपॉर्चुनिटी ईश्वर देते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए अपने फियर्स को ओवरकम करने के लिए लेकिन आप वो अपॉर्चुनिटी मिस करते जाते हैं लेकिन आने वाले वक्त में वो अपॉर्चुनिटी ही आपके लिए एकमात्र सहारा होगी आने वाले वक्त में आपकी एक डायरेक्शन चेंज होने वाली है जिस डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ते हुए आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे आप अपने आप को दोबारा से उभरता हुआ देख पाएंगे आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख पाएंगे ऐसी एनर्जीज आपके लिए बनती हुई मुझे नज़र आ रही हैं और ये अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हैं जो आपकी लाइफ में होने वाले हैं आज के टाइम पर अपने पास्ट के साथ कहीं ना कहीं आप चिपके रहते हैं अपनी पास्ट की एनर्जी से बाहर नहीं निकलते पहले लाइफ में ऐसा होता था तो ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा रंगीन थी ज़िंदगी के अंदर हर एक सुख था आज के टाइम पर तो ज़िंदगी के अंदर सिर्फ दुख ही दुख है ज़िंदगी में कुछ मिल ही नहीं रहा है ये सारे आपके ब्लेम्स हैं इस एनर्जी से आप आने वाले वक्त में अनएक्सपेक्टेडली बाहर निकल जाएंगे आपको आपका फ्यूचर आपका प्रेजेंट आपके पास्ट से ज़्यादा प्यारा हो जाएगा आप में से कई लोग होंगे जो इस बात को सोचकर हंस रहे होंगे कि मैम हम तो पास्ट से बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि उस पास्ट के साथ ही हमारी जिंदगी कनेक्टेड है चाहे वो हमारी पास जॉब थी जिसको हमने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से छोड़ दिया किसी तीसरे पर्सन ने हमें वहाँ पर बैक किया हमारे अगेंस्ट पॉलिटिक्स प्ले की तब मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी होती थी लेकिन अब जहाँ पर मैं जॉब कर रहा हूँ या कर रही हूँ मैं वहाँ पर सैटिस्फाइड नहीं हूँ और इस वजह से वो पास्ट की एनर्जीज मुझे बार बार उसी जगह पर खींचती ठीक है लेकिन मेरे वर्ड्स को मार्क कर लीजिए आने वाला वक्त आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाने वाला है जिससे कि आपको फ्यूचर पर ज्यादा विश्वास होगा आपके पास से ज्यादा आपको आपके फ्यूचर पर विश्वास होगा आपके लिए अनएक्सपेक्टेडली कोई एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है जिसकी वजह से आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे मैं जानती हूँ चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो आपने किसी के बारे में कोई भी परवाह ना करते हुए दूसरों के लिए वो काम किया है जो दूसरे आपके लिए नहीं कर पाए चाहे वो आपके पार्टनर हो आपने बिना सोचे समझे कि इस चीज का क्या रिजल्ट हो सकता है आप उनके लिए वो सब कुछ करते रहे जो अगर आप ना करते तो ये दुख ये तकलीफ आपको ना मिलता ठीक है लेकिन आप निरंतर करते रहे आपको सामने वाले पर्सन से कुछ एक्सपेक्टेड नहीं था आप बस प्यार में सिमिलरली अगर मैं जॉब जॉब की बात करूं जहां से आपकी छूटी है या फिर आपको चेंज करनी पड़ी है वहां पर भी आपने इतनी मेहनत की इतनी मेहनत कोई भी वहां का पर्सन नहीं कर रहा अब जहां पर आप मेहनत करते हैं जहां पर आप अपने कर्म लगाते हैं ना वो कर्म कभी वेस्ट नहीं होते हैं अब इन फ्यूचर आपको एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने जा रही है कि आपके जो ये सारे दुख है ना जो ये रातों को आप सो नहीं पाते हैं आपके स्लीपिंग पैटर्न्स डिस्टर्ब्ड हैं आप रातों को जाकर अपने सिचुएशन पर रोते रहते हैं ये सारी एनर्जीज गायब हो जाएंगे आपके लाइफ में अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल लाइफ के हर एक फील्ड में चेंजेस आ रहे हैं लाइफ में प्रैक्टिकल होना जरूरी होता है लेकिन आपने अपनी लाइफ इमोशनली ज्यादा स्पेंड की है चाहे आपके जॉब की बात कर ले वहां पर भी आपने अपने इमोशंस इतने ज्यादा इन्वेस्ट किए हैं कि आपको समझ ही नहीं आया कि यहाँ पर आपको रुक जाना चाहिए इतना ज्यादा अपने आप को इमोशनली हर एक चीज में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए ये ऑफिस आपका नहीं है आप यहाँ पर बॉस नहीं है आप सिर्फ काम कर रहे हैं ठीक है थीके? तो वो पेन वो जो सफरिंग है ना आपकी वो अब आपकी दूर हो जाएगी लेकिन उससे पहले आपके जो फियर्स हैं वो आपको ओवरकम करने होंगे हालात आपके लिए इस तरह के बनेंगे सो so, आइए जानते हैं अब इस डेक से क्या आपकी लाइफ के अंदर क्या अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होने जा रहे हैं आइए जानते हैं इस डेक से आपकी लाइफ के अंदर क्या अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होने वाले हैं पहला कार्ड ऑल टाइड का कार्ड है गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड है द वर्ल्ड का कार्ड है द थिंकिंग मैन का कार्ड है कॉर्नोकोपिया का कार्ड है वाव चक्रा आर्जल कैम्यूल का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर फाइनेंशियल का कार्ड है सबसे पहली चीज तो ये है फाइनेंशियली जिन बंधनों में आप बंध गए हैं मतलब आज के टाइम पर फाइनेंशियली आप उतने ज़्यादा साउंड नहीं हैं ये जो आपके फाइनेंशियल कॉन्स्टुट्स हैं ये अब ख़त्म होने जा रहे हैं ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से होगा आपकी लाइफ के अंदर इतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी आ जाएगी कि फाइनेंशियल अबेंडेंस में आप एंटर करेंगे ठीक है आज के टाइम पर आपको आपकी ज़िंदगी के अंदर सब कुछ बंधा हुआ नज़र आ रहा है आपको ये नज़र आ रहा है कि अब रास्ते ही आपके लिए ख़त्म हो गए हैं जो आपकी लाइफ में अच्छा टाइम था वो बीत चुका है अब दोबारा से आपकी लाइफ के अंदर अच्छा वक्त नहीं आ सकता ये सिर्फ आपके सोच है और ये सोच बहुत जल्दी चेंज हो जाएगी आपकी ज़िंदगी में आज जो वक्त आपको बंधा हुआ नज़र आ रहा है उस वक्त पर ही आपको बहुत ज़्यादा प्राउड होगा कि आप एक ऐसे पॉइंट पर पहुँच गए हैं जहाँ पर आप पहले से भी बेहतर स्थिति में हैं आप इमोशनली आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा ड्रेन होते हैं इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है आपके अंदर लेकिन आने वाले वक्त में आप अपने आप को जो अंदर से बिखरा हुआ आज महसूस करते हैं आप वैसा महसूस नहीं करेंगे आप अपने आप में एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे कि आप प्रैक्टिकल हो जाएंगे ये वक्त का बदलाव है जो आपके लिए बहुत जल्द होने वाला है ये जो आपको बहुत ज्यादा हर एक चीज के बारे में सोच समझ आज चलना पड़ता है बिकॉज आपकी जो सिचुएशन है वो आपको इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती है कि आप जो आपका मन आता है वो कर सकते हैं आने वाले वक्त में आपको इतना ज़्यादा सोच समझ कर बढ़ना नहीं पड़ेगा आपके लिए अबंडेंस ही अबंडेंस होगी आपकी लाइफ के ऑलमोस्ट हर एक स्पेयर में आप अपने लाइफ में बहुत अलग तरह की स्टेबिलिटी विटनेस करने वाले हैं आप सोचेंगे बाद में चीजें पहले आपके लिए हो जाएंगी और आपके फेवर में होंगी ठीक है एक चीज और मैं यहां पर कहना चाहती हूं आपके अंदर जो इनसिक्योरिटीज हैं वो अपने आप आपके अंदर से रिलीज हो जाएंगे आप बहुत सारी चीजों को लेकर आज के टाइम पर इनसिक्योर हैं चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो आपकी पढ़ाई हो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हो आप बहुत सारी चीज़ों को लेकर आज के टाइम पर इनसिक्योर हैं और ये इनसिक्योरिटी इनकमिंग फ्यूचर खत्म होने वाली है ये अनएक्सपेक्टेड चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है क्योंकि हर एक चीज़ आपको अबंडेंट मिलेगी आपकी लाइफ में भरपूर होगी हर एक चीज़ एक कंटेंटमेंट की एनर्जी आप अपनी लाइफ में वटनेस करेंगे और पूरी सैटिस्फाइड एनर्जीज में आप रहने वाले हैं लेकिन उन सभी चीजों के लिए आपको आपके फियर्स को ओवरकम करना है आपके फियर्स जब तक ओवरकम नहीं होंगे जो तीसरा पर्सन आपकी लाइफ के अंदर हेल मचा रहा है आपकी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है जब तक आप उस पर्सन को एलिमिनेट नहीं करेंगे अपने फियर्स को ओवरकम नहीं करेंगे ये वक्त डिले होगा ठीक है तो इस वक्त तक पहुंचने के लिए आपको एक्सेप्टेंस की एनर्जीज में रहना है रेजिस्टेंट नहीं होना है को लेकर कंफ्लिक्ट होगा आपकी लाइफ के अंदर अभी थोड़ा टाइम उसके बाद आप बड़ी अचीवमेंट हासिल कर पाएंगे बड़ा कुछ अचीव कर पाएंगे ठीक है तो ये अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपकी लाइफ के अंदर होने जा रहे हैं सो so, आई होप जिन्होंने पाइल नंबर टू चूज किया है आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी रीडिंग पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं मेरा व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश हो गया जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे मेरा एक और चैनल भी है सोल डिवाइन जर्नी डारो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोज़ पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं और मैं अपनी डेली एंजुल गाइडेंस रोज रात आठ बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ तो so आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे मेरा एक और चैनल भी है सोल मिस्टिक टैरो उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात येस और नो पेंजोलम रीडिंग्स ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहाँ पर भी आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सो थैंक्स फॉर वॉचिंग सी यू सो